अस्सलाम वालेकुम। तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और आज के इस लेटेस्ट वीडियो में मैं फिर से उर्दू ग्रामर लेकर आ गई हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग उर्दू ग्रामर यानी कि उर्दू कवायद के 5 टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, और इन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में हर साल देखने को मिलता है, और इसीलिए ये सभी टॉपिक्स आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और चारों तरफ शेयर कर देना है अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास, या फिर आप लोग के जितने भी रिश्तेदार हैं चारों तरफ शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला टॉपिक है इसमें आला। इसमें आला किसे कहते हैं? वह इस्म नकरा जो किसी औजार या हथियार को जाहिर करे। वह इस्म नकरा वह साधारण नाम जो किसी औजार या हथियार को जाहिर करे। जिस नाम से औजार या फिर हथियार का होना पता चले उस नाम को कहते हैं हम लोग इसमें आला। जैसे कि चाकू, देखिए चाकू क्या है? चाकू एक औजार भी है और हथियार भी है, दोनों हैं। चाकू से कट काटा जाता है, किसी भी सब्जी को आप काट सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ को काटा जाता है ना। तो चाकू एक तरह से औजार भी है, और हथियार कैसे है? चाकू से आप किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। ठीक, तो लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। चाकू एक तरह से औजार और हथियार है। तो चाकू क्या हो गया? ये नाम हो गया आप लोगों का इसमें आला। चाकू हो गया आप लोगों का इसमें आला। कैंची, कैंची एक औजार है जो कि टेलर लोग रखते हैं। अब तो सभी घर में नॉर्मली कैंची रहता ही है, जिसे काटने का काम किया जाता है। तो एक तरह से कैंची क्या है? औजार है। तो कैंची हो जाएगा आप लोगों का इसमें आला। लाठी, ठीक है, लाठी इसे आप बोल सकते हैं एक तरह से सेफ्टी के लिए भी रखा जाता है, और किसी को धोने के लिए भी रखा जाता है, पीटने के लिए। तो लाठी हो गया आप लोगों का इसमें आला। तो वगैरह वगैरह, मतलब जिस नाम से औजार या फिर हथियार का पता चले उस नाम को क्या कहते हैं? इसमें आला। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। पूछेगा कि दर्जेल में से कौन इसमें आला है, और ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, और उन 4 ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन रहेगा जिसमें किसी औजार या फिर हथियार का नाम यानी कि इसमें आला दिया रहेगा, जिसको आप लोग को पहचान लेना है। 4 ऑप्शन में से देख लीजिए कि कौन सा ऐसा नाम है जिससे औजार या फिर हथियार का पता चल रहा है, उसको आप लोग टिक कर दीजिए। बस सिंपल सा है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है इसमें सूत। वह इस्म है जो किसी आवाज़ को जाहिर करे। ये तो और भी ज़्यादा आसान है। इसमें सूत किसे कहते हैं? वह नाम जो किसी आवाज़ को जाहिर करे। वह नाम जिससे किसी आवाज़ का होना पता चले, ऐसा लगे कि कोई आवाज़ आ रही है, ठीक, उसको क्या कहते हैं? इसमें सूत। जैसे कि देखिए, काएँ काएँ, छम छम, साए साए, म्याऊ म्याऊ, भों भों, ये सब क्या है? आवाज़ का, आवाज़ है। इस नाम से क्या पता चल रहा है कि ये कोई आवाज़ है। तो इस तरह के नाम को आप लोग क्या बोलेंगे? इसमें सूत, याद रखिएगा। तो इससे भी आप लोगों के एग्ज़ाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है कि दर्जेल में से कौन इसमें सूत है, और 4 ऑप्शन दिया रहेगा, और एक ऑप्शन में आप लोगों का इसमें सूत कोई एक आवाज़ का नाम दे देगा। जैसे कि मान लीजिए ऑप्शन में काए काए भी दे सकता है, म्याऊ म्याऊ भी दे सकता है, छम छम भी दे सकता है। तो आवाज़ के नाम को कहते हैं हम लोग इसमें सूत। तो आप लोगों को सही सही टिक करके आना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें मुसग्गर या फिर तस्गीर, ये तो आप लोग एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक, तो देखिए इसमें मुसग्गर या फिर तस्गीर किसे कहते हैं? मुसग्गर का मानी होता है छोटा किया हुआ। मुसग्गर का मानी क्या होता है? छोटा किया हुआ। अब समझिए इसमें मुसग्गर किसे कहते हैं। वह इस्म नकरा वह साधारण नाम जो किसी चीज़ का छोटापन जाहिर करे। वह नाम वह साधारण नाम जिससे किसी चीज़ का छोटा होना जाहिर हो, छोटा होना पता चले, उस नाम को कहते हैं इसमें मुसग्गर या फिर तस्गीर। जैसे कि देखिए, बाग के जगह अगर मैं बागीचा बोलूँ तो ऐसा लग रहा है ना कि बाग से छोटा है बागीचा, यानी कि छोटापन जाहिर हो रहा है, बागीचा हो जाएगा आप लोगों का इसमें मुसग्गर। प्याला की जगह प्याली बोला जाए तो ऐसा जाहिर हो रहा है ना, पता चल रहा है कि प्याला से छोटा है प्याली, प्याला बड़ा और प्याली छोटा। तो जिससे छोटापन जाहिर हो, छोटा होना जाहिर हो, उसे क्या कहते हैं? इसमें मुसग्गर। तो देखिए प्याली हो जाएगा आप लोगों का इसमें मुसग्गर, या फिर आप इसको इसमें तस्गीर भी बोल सकते हैं। कटोरी, कटोरा की जगह कटोरी बोलिए तो कटोरी हो जाएगा क्या? इसमें मुसग्गर। देगची, देगचा की जगह देगची बोलिए, हो जाएगा आप लोगों का इसमें मुसग्गर। तो जिससे जिस नाम से छोटा होना जाहिर हो उसे क्या कहते हैं? इसमें मुसग्गर। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसमें भी आप लोगों का उसी तरह क्वेश्चन पूछता है कि दर्जेल में से इसमें मुसग्गर कौन है, और कोई एक ऑप्शन में दे दिया रहेगा इसमें मुसग्गर। तो आप लोगों को ध्यान से देख लेना है, चारों ऑप्शन ध्यान से देखिएगा कि किस शब्द से, किस नाम से छोटा होना जाहिर हो रहा है, और टिक कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें मुसग्गर तो हो गया, अब है इसमें मुकब्बर। इसमें मुकब्बर किसे कहते हैं? वह इस्म नकरा वह साधारण नाम जो किसी चीज़ का बड़ापन जाहिर करे। ये छोटापन जाहिर कर रहा था, अब ये बड़ापन जाहिर करेगा, यानी कि वैसा नाम, वैसा साधारण नाम जिससे किसी चीज़ का बड़ा होना जाहिर हो,
बड़ा होना पता चले उसे कहते हैं इसमें मुकब्बर। जैसे कि बाग है, बागीचे से बड़ा होता है बाग, बाग से पता चल रहा है कि बाग क्या है, बागीचे से बड़ा है, तो बाग हो गया आप लोगों का इसमें मुकब्बर। ठीक है, मकड़ा है, मकड़ी की जगह आप लोग अगर मकड़ा बोलते हैं तो ऐसा पता चल रहा है ना कि मकड़ी से बड़ा है मकड़ा, बड़ा होना जाहिर हो रहा है, तो मकड़ा हो जाएगा आप लोगों का इसमें मुकब्बर और मकड़ी हो जाएगा इसमें मुसग्गर। ठीक, कटोरी हो जा रहा था आप लोगों का इसमें मुसग्गर, तो कटोरा हो जाएगा आप लोगों का इसमें मुकब्बर, कटोरा कटोरी से बड़ा होता है। प्याली हो जाएगा आप लोगों का इसमें मुसग्गर और प्याला हो जाएगा आप लोगों का इसमें मुकब्बर। तो इस तरह आप लोगों को पहचानना होता है वगैरह वगैरह, जिससे बड़ा होना जाहिर हो, जिस नाम से उस नाम को कहते हैं इसमें मुकब्बर, याद रखना है। मुकब्बर का मतलब होता है बड़ा किया हुआ। ठीक, अब लास्ट है इसमें ज़र्फ। इसमें ज़र्फ किसे कहते हैं? वह इस नकरा जिससे कोई जगह या वक्त जाहिर हो, बस उसको क्या कहते हैं, उस नाम को इसमें ज़र्फ कहते हैं। वह साधारण नाम जिससे कोई जगह या वक्त जाहिर हो, उसको कहते हैं हम लोग ज़र्फ। जैसे कि स्कूल, स्कूल क्या है, जगह का नाम है, तो जगह के नाम को ही हम लोग बोलते हैं इसमें ज़र्फ। ठीक है, या फिर वक्त के नाम को, जैसे कि सुबह, शाम, दोपहर, या फिर राइट टाइम बता दिया जाए कि 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, तो वक्त के, समय के नाम को या फिर जगह के नाम को, साधारण नाम को बोलते हैं इसमें ज़र्फ। अस्पताल हो गया, अस्पताल जगह का नाम है, तो जगह का नाम हो या फिर समय का नाम हो, क्या बोलेंगे आप लोग? इसमें ज़र्फ बोलेंगे। तो यहाँ तक सबसे पहले आप लोग ले लीजिए फटाफट स्क्रीन शॉट। तो आई थिंक आप लोगों को ये पांचों टॉपिक समझ में आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और बाकी मैं आप लोगों को जो कुछ भी समझाई, समझ में आया तो वीडियो को लाइक तो बनता है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, रुके हुए थे, तो फटाफट लाइक कर दीजिए और चारों तरफ शेयर कर दीजिए। अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा हो सके, आप लोग के जितने भी रिश्तेदार हैं, चारों तरफ शेयर मार दीजिए फटाफट। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लेना है। उससे होगा ये कि मेरी रोज आने वाली ऑल वीडियो का और ऑल लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।